रही थी। हेमंत लगातार जीत दर्ज करते नजर आ रही थी और जिस तरीके से जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो राजवर्धन सिंह राठौर का अपने चेहरा देखा होगा जब संवाददाता ने उनसे बात की थी, थोड़ा सा उतरा हुआ नजर आया था। उन्होंने कहा था कि अभी तो इतने राउंड हुए हैं, अभी राउंडों की काउंटिंग होना बाकी है, उसके बाद क्या कुछ होगा वो सामने निकल कर आएगा। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बड़ी खबर यहाँ पर सामने निकल कर आई है, राजवर्धन सिंह राठौर ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के दिग्गज नेता है, मुखर वक्ता भी है, जयपुर ग्रामीण से सांसद, जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और ये कहा जा रहा था अलका जी कि यहाँ पर बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, हालांकि मजबूत उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं देखा गया था, लेकिन आशु सिंह सुरपुरा यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि उनकी मौजूदगी की वजह से समीकरण गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज्यवर्धन जी का आपने शुरू से देखा होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कॉन्फिडेंट है और उनके बारे में जैसा कि अभी टिप्पणी कुछ देर पहले भी की थी कि ओलंपिक में भी उन्होंने लास्ट में सिल्वर जीता था और इस बार भी वो लास्ट में आके मेडल जीत ही गए। अब की बार तो गोल्ड ले गए, मतलब इतनी कठिन परिस्थितियों में से ये सीट निकाल करके ले गए हैं। वो डबल ट्रैप शूटर है, तो एक ट्रैप ये कहना पड़ेगा कि ये इतनी विपरीत परिस्थितियां थी एक दफा इस सीट को लेकर के कि लग रहा था कि बड़ा कांटे का क्या पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था। राजवर्धन राठौर जी का निकनेम भी है जो खेल की दुनिया में जो उनके साथी लोग उनको कहते थे, चिली के नाम से बड़े फेमस थे जब वो शूटिंग करते थे, तो उन्होंने वाकई में चिल वाली एक विजय हासिल किया, तो बिल्कुल मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा राठौर साहब को। लेकिन अलका जी, संतोष की बात यह कि विद्याधर नगर झोटवाड़ा दोनों सीटों पर सांसद थे और दोनों शहर की सीटें जो है वो बीजेपी खाते में आखिरकार आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत शुभ संकेत है, साख बच गई अलका जी लगता है आपको। जी साख बच गई, फिर लगता है आपको साख नहीं बच गई, जीतने ही थे। सतीश पुनिया की सीट को लेकर भी टिप्पणी कर दीजिए, उनको लेकर के तो आप कह रही हैं कि कहीं कहीं परिस्थितियां ऐसी बन जाती है। नहीं, कई बार ऐसा, सतीश जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और काफी सीटों पे उनको जाना पड़ा था। राज्यवर्धन जी के बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि अटके हुए बट वो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन कई बार ऊपर नीचे हुई भी, ये जो रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं ये ऊपर नीचे चलता रहा हमने देखा अलका जी, ऊपर नीचे चलता रहा। लेकिन राज्यवर्धन जी, आपने दो तीन बार आपके संवाददाता ने उनको पकड़ा भी तब भी वो कह रहे थे कि देखिए अभी चल रही है, आखिर में देखिएगा आप, और उनका कॉन्फिडेंस था और निश्चित रूप से जमीनी जानकारी थी इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे। एक खिलाड़ी की यही बात होती है कि वो आश्वस्त रहते हैं अंतिम समय तक, जो है वो छोड़ते नहीं हैं, आप जो है चुनाव को छोड़ा नहीं है उन्होंने, लगातार सक्रियता भी रही। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखता है खिलाड़ी, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है जी, और ये पॉजिटिविटी ने ही उनको पीछे। लेकिन इस सीट पर क्या समीकरण काम किया है आप एक बार झोटवाड़ा पर, मैं चाहता हूँ अलका जी आप तो लगातार रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है जी, वो हो सकता है शुरू में कुछ नाराजगी रही। बिल्कुल अलका जी, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, ममता का रुख कर लेते हैं। ममता, अपडेट क्या है आपके पास इस वक्त? चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह, उनकी यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। और साथ ही अगर मैं बात करूं सिविल लाइंस विधानसभा सीट से, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त है। और कुछ और बड़े अपडेट है चित्तौड़गढ़ से, बड़ी अपडेट है, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। चंद्रभान सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी, यहाँ पर उनकी जीत हुई है जी। ममता क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शोभा चौहान जो है वो जीत दर्ज की हैं। आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा मंडवा से कांग्रेस की जो है रीता चौधरी जीत गई है चुनाव। मंडवा सीट पर बड़ी अपडेट, मंडवा से कांग्रेस की रीता चौधरी जीती है। सोजत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शोभा चौहान विजय है और कोटा दक्षिण से बीजेपी के संदीप शर्मा, बीजेपी के छोटू सिंह भाटी की जीत हुई है। यहाँ पर मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के, उनकी हार हुई है जो लगातार उनको लेकर के चर्चाएं थी, ये सीट भी बड़ी चर्चाओं में थी अलका जी कि आखिरकार ये सीट निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। सोजत से बीजेपी की शोभा चौहान जीते जी। ममता और अपडेट बताइए। राजसमंद के नाथद्वार विधानसभा से 16वां राउंड और मतगणना का परिणाम सामने आया है। अभी भी भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ वहां से आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं और 5,346 वोटों से इस वक्त वो आगे बढ़त बना रहे हैं। बिल्कुल, एक और अपडेट देना चाहूंगा आपको। दौसा से जो है बांदुकुई सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी के भागचंद टांकड़ा जो है वो जीते हैं चुनाव। यहां पर भागचंद भी जीत दर्ज कर रहे हैं। बांदुकुई सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये भी आगे जाते हुए नजर आ रही है। देखिए अभी तक के अगर ये रुझान और परिणाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े अपडेट आपके पास? बड़े अपडेट है कि अभी रीता चौधरी जीती है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ से जो है चंद्रभान सिंह चौहान वो भी जीत गए हैं, इसके अलावा रामावतार बैरवा चाकसू से
बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो भी जीत गए हैं, शोभा चौहान, संदीप शर्मा, ये सब जीत चुके हैं। ठीक है, बड़ा अपडेट एक और आपको एक बता दूं कि जो है शाहपुर से जो कांग्रेस के मनीष यादव जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। मनीष यादव शाहपुरा से मनीष यादव चुनाव जीत चुके हैं। बड़ी अपडेट है ये। ये गोयल साहब शाहपुरा वाला अब लगातार चर्चा में था, इस पर क्या टिप्पणी है? अब निकल गई ये सीट। ये देखो सीट निकलनी थी क्योंकि काफी मेहनत यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे की गई।